वेटिकन सिटी में तेज रफ्तार कार सवार ने सिक्योरिटी हिसार को तोड़ते हुए कैथलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा की रिहाइश में दाखिल होने की कोशिश की। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुलजिम ने सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग भी की और पैलेस के सेहन में दाखिल हुआ। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पुलिस ने 40 साल मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। खबर अदारे के मुताबिक मुलजिम ने पोप फ्रांसिस की रिहाइश गाह तक जाने की कोशिश की लेकिन वहां नहीं पहुंच सका। पुलिस का कहना है कि बजाहिर मुलजिम ज़हनी मसाइल का शिकार लग रहा है, मामले की तफ्तीश की जा रही है।